ले गए हैं। और सहकारिता मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा, विस्तारित कार्य समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में भी होंगे शामिल। उड़ीसा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को किया संबोधित। जेपी नड्डा ने संबोधन में कहा, देश के लगभग 58% भूभाग पर भाजपा की सरकार है, पूरे एनडीए गठबंधन को जोड़ ले फिर भी अकेली भाजपा इन पर भारी पड़ती है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने की कैबिनेट की बैठक। बैठक में राज्य के विकास और विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा। किसानों के लिए नई योजनाओं की गई है घोषणा। सीएम ने सभी मंत्रियों को तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या निर्देश। अखिलेश के मानसून बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला था। अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर यहाँ पर पलटवार। ना संगठन बड़ा होता है ना सरकार, सबसे बड़ा होता है जनकल्याण। बीजेपी वाले सत्तामुखी है, सेवामुखी नहीं। उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है, वो सत्ता पद के भोग में जो है लालच। उत्तर प्रदेश में जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। उन्होंने भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया और प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना। मेघालय के सीएम कनराड संगमा ने नौकरी में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर किया बयान। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के करीब 405 छात्रों को बांग्लादेश से निकाला गया। हम भारतीय यहां पर दूतावास से संपर्क। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को मंदिर के पुजारियों ने सिकंदराबाद महाकाली बोनालू समारोह में किया गया आमंत्रित। जैन को खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का निजी सचिव किया गया नियुक्त। जैन की नियुक्ति से मंत्रालय की कार्य क्षमता और प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार की उम्मीद। जैन विभिन्न योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन मंत्री मांडविया की करेंगे सहायता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया बयान। पिछले कुछ समय में जो भी आतंकवादी वारदातें हुई है उसे लेकर सरकार संजीदगी से कार्रवाई कर रही है। इसे निपटने के लिए कई रणनीति अपनाई गई है जिसकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जा सकती। ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बीजू जनता दल संसदीय दल की यहां बैठक हुई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार के हांसी में किया भव्य रोड शो। रोड शो में भारी संख्या में समर्थक और स्थानीय जनता हुई शामिल। सभी ने हुड्डा का किया जोरदार स्वागत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बयान। हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, प्रदेश स्तर पर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। दिल्ली में एनकोड की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। बोले, पीएम का नशा मुक्त भारत का संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है और ये सबसे बड़ा अवसर भी है। अगर हम एक साथ बहादुरी से लड़े तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य में चांदी पूरा वायरस की स्थिति और महामारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए कई कदमों की समीक्षा की। भूपेंद्र पटेल ने नियंत्रण के लिए निर्देश भी दिए। कावड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस तैयार। सेक्टर बनाकर ड्रोन से होगी निगरानी। 3 शिफ्ट में लगेगी कर्मियों की ड्यूटी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर कहा, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस डाउन होने के कारण एयरलाइंस के ग्राउंड ऑपरेशन में आ रही है दिक्कत, लेकिन मैनुअली तौर पर चल रहा है काम। सहायक पुलिस कर्मियों ने वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर रांची में किया प्रदर्शन। पुलिस ने तितर बितर करने के लिए दिए है लाठीचार्ज करने के। एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह ने माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर बताया, पूरे विश्व में पड़ रहा है प्रभाव, दुनिया के लगभग सभी एयरपोर्ट पर हो रहे हैं यही परेशान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर हुआ भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र का प्रारंभ। जीएसआई के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत के बाद किया तैयार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा से की मुलाकात। विदेश मंत्री जयशंकर ने किया ट्वीट।
एयरपोर्ट निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर बताया, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड डाउन, इसकी वजह से हो रही है समस्या, एयरलाइंस मैनुअल रूप से काम कर रही है। ऋषिकेश में कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री को घेरा, आस्था पथ पर पौधारोपण को लेकर सिंचाई विभाग के ऑफिस में बजाया घंटा घड़ियाल, मंत्री पर कांग्रेस के द्वारा किए गए निर्माण को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी, नदी किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए भूखंडों पर ध्वस्तीकरण की गई कार्रवाई। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सतीश सिंह पर कार्रवाई का आदेश जारी, 3 सदस्यीय जांच टीम गठित, पीड़ित ने पत्र देकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लगाई गुहार। कांग्रेस पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष और पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून पहुंचकर उठाया महत्वपूर्ण मुद्दा, धामी सरकार को घेरा। जालौन में लूट की खुली छूट, खुलेआम ओवर रेट पर बिक रही ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकों पर शराब, दबंग सेल्समैन एमआरपी से अधिक दामों पर बेच रहे हैं बियर और शराब। नोएडा सेक्टर 10 में अचानक लगी भीषण आग, आसपास मचा हड़कंप, आसपास की सभी कंपनियों को कराया गया खाली। बुलंदशहर में एक नाले में पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान, अचानक नाले में गिरने से मौत की आशंका। बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, ट्यूबवेल में नहा रहे किशोरों के ऊपर टूट कर गिरा बिजली का तार, 2 युवकों की करंट लगने से मौके पर हुई मौत। बुलंदशहर में बिजली कटौती की समस्या को लेकर बिजली घर पर प्रदर्शन, बुलंदशहर के पासू बिजली घर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बुलंदशहर पुलिस ने खोए हुए 120 एंड्रॉइड मोबाइल फोनों को किया बरामद। बरेली में 50,000 की रिश्वत लेता हुआ दरोगा रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने करगैना चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र देशवाल को 50,000 की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, कांवड़ यात्रा को लेकर यमुनानगर पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट हुआ। पहाड़ी और पंजाबी संस्कृति के संयुक्त रंग में रंगी नजर आई हिमाचल भाजपा कार्यकारिणी की बैठक, सांसद बोले महत्वपूर्ण बिल पास कराने में सक्षम है मोदी 3.0 सरकार। सोनीपत पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा चुनाव से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवीधार महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन, अव्वल आए गए प्रतियोगियों को दिया गया पुरस्कार। चंपावत में गुलदार के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, हमले में बुजुर्ग की आंख में गंभीर चोट। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने आपदा के लिए सरकार की व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार के द्वारा आपदा से निपटने के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। बुलंदशहर से पंजाब जा रही लगभग 50 लाख रुपए की अफीम को बुलंदशहर की स्पॉट टीम और नरोरा पुलिस ने सूचना पर चेकिंग के दौरान पकड़ा। योगी आदित्यनाथ अयोध्या रोड पर सौमित्र वन में करेंगे पौधारोपण, इस अवसर पर वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी रहेंगे मौजूद, प्रदेश में बनेगा 36.50 करोड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 29 जुलाई 2024 से होगा शुरू, इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कार्य और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। सीतापुर के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, लोगों से घर में रहने की अपील। उत्तर प्रदेश किन्नर बोर्ड की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपने पद से इस्तीफा देने पर जताई इच्छा, सोनम किन्नर ने आरोप लगाया कि उनके विभाग के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। मौसम विभाग देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी, ईडीएम ने आदेश जारी कर 20 जुलाई को जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के लिए दिए निर्देश। लद्दाख सीमा पर शहीद जवान की सूचना मिलते ही घर में मचा कोहराम, भारतीय सेना में लेह लद्दाख बॉर्डर पर तैनात था जवान, गुरुवार को अचानक स्वास्थ्य खराब होने से मौत। बिजनौर मेले में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करना एक युवक को पड़ा महंगा, दबंगों ने युवक की जमकर की पिटाई, पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
झांसी में कार्यकर्ताओं ने सत्ता पक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार को लेकर निकाला विशाल रैली। रैली में जमकर लगाए गए नारे। युवक ने जेल से छूटकर कानपुर झांसी हाईवे पर निकाला था काफिला। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी ने उत्सव के दौरान शिव भगवान की प्रतिमा का किया अनावरण। शिव की प्रतिमा 15 टन और 15 फीट ऊंची। रुद्रपुर में मंडलायुक्त दीपक रावत ने निर्माणाधीन रुद्रपुर बाईपास का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य पर विशेष ध्यान देने के लिए दिए निर्देश।